हरियाणा से अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी चुनावी ताल ठोक दी है। उन्होंने हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद बबीता रोहतक स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि वे महिला सशक्तिकरण व समाज के लिए काम करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी पर रहते हुए वह राष्ट्रीय पार्टी से नहीं जुड़ सकती थी, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। वहीं चुनाव लड़ने के बारे में जब उनसे बात की गई तो उनका कहना था कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसके लिए वह तैयार है और अब उस जिम्मेदारी को वह बखूबी निभाएंगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि बबीता फोगाट भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाड़ड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि बबीता फोगाट ने फिलहाल अपने चुनाव लड़ने की दावेदारी पर हाँ नहीं बोल रही है। मैंने इस्तीफा 8 अगस्त को मैंने दिया था और 10 सितंबर को मेरा इस्तीफा जो है वो मंजूर किया गया है, और क्योंकि एक अधिकारी होकर मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकती थी और मैं कोई राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ना चाहती थी, तो इसलिए मैंने रिजाइन करके मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। पार्टी वो तो जो भी मुझे जिम्मेदारी सौंपेगी और जो भी उनका फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा, और जो हमें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो बेखूबी हम बहुत जिम्मेदारी से उसको निभाएंगे।